हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नो कांटेक्ट पर रीडिंग करने वाले हैं। जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, ठीक है, या फिर लेस कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन की क्या सोच है, करेंटली क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग टाइमलेस होगा, जब भी जिसके सामने आएगा तब उसके कारण सिचुएशन से रेजोनेट करेगा। और कोई भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, सिंगल मैरिड अनमैरिड डिवोर्स विडो कोई भी इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकता है, ठीक है गाइस। रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करता है तो रीडिंग आपके लिए ही है, ठीक है गाइस। तो चलिए रीडिंग को मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है, उनके पर्सन के कारण फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स जो भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है, उनके पर्सन के कारण फीलिंग्स क्या है। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो भी नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है और सेपरेशन में है, उनके पर्सन के कारण फीलिंग्स क्या है। प्लीज एंजल गाइड मी। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, यस गाइस, खुश हो जाए। आपके पर्सन बहुत क्विकली आ रहे हैं आपके पास। पहला ही कार्ड आपको दिख रहा है, नाइट ऑफ सोर्स आया है, जो कि क्विक मूवमेंट को दिखाता है। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरा तो दिल खुश हो गया। पता नहीं आप लोगों का क्या है, आप लोग बोलते भी नहीं हो कि कॉल मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग के पास कॉल मैसेज आता है तो ज़रूर बोलना मुझे कॉमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले और मेरी दूसरी जो व्यूअर्स है उनको भी पता चले। गाइस बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आज। आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, एम्परर और एम्प्रेस आया है दोनों। प्लीज एंजल गाइड मी। बॉटम से सन का कार्ड है, एक्शन जरूर होगा आपकी तरफ। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है गाइस आज का। दिशान है बॉटम से, देखिए गाइस आज का बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। मैं क्या बोलूँ, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। दी लवर्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, केयर फ्री होकर बाहर आना चाहते हैं जहाँ पे भी वो अटके हुए थे। आपकी शादी, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके शादी बच्चे देखते हैं, फैमिली देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं, आपको ही अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है, आपको ही अपना पार्टनर मानते हैं जो भी हो। तो आपको ही वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके तरफ एक्शन वो जरूर लेंगे। एक्शन लेने के लिए डिसीजन उन्होंने ले लिया है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कपल आया है तो आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, ठीक है। और आपके पर्सन की एज 40 हो सकता है, ठीक है गाइस। मुझे लगा कि आपके पर्सन की एज 40 हो सकता है और आपकी एज 30 या 30 के अंदर हो सकता है, या फिर 30 से 40 के अंदर हो सकता है आपका एज। किसी किसी के लिए है, ठीक है, ऐसे सबके लिए नहीं है, तो अपने हिसाब से लीजिएगा गाइस। तो मुझे ये पिंच किया तो मैंने बोला, पर आपके पर्सन आपके तरफ बहुत ही जल्दी आ रहे हैं गाइस। पहला ही कार्ड मैंने आपको देख के बोला था, बहुत क्विकली वो आ रहे हैं आपके साथ, न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ ही, सक्सेस वो चाहते हैं। फुल की एनर्जी में आएंगे जहाँ पे भी वो अटके हुए थे, जिस सिचुएशन में भी अटके हुए थे, ठीक है। और आपको ही अपना पार्टनर मानते हैं, आपको ही अपना लवर मानते हैं वो, आपके साथ ही वो हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और आपके साथ ही वो हैप्पी फैमिली चाहते हैं। जरूर वो आपके तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे गाइस, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये कार्ड है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, तो उनके लिए मुझे ये कार्ड लग रहा है ज़्यादा। तो हो सकता है आप दोनों के बीच अगर कुछ भी प्रॉब्लम था, सेपरेशन था, बातचीत नहीं हो रहा था, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि रियूनियन, एक्शन लेना चाहते हैं आपके पर्सन। अगर किसी किसी के लिए पेरेंट्स का इशू है, पेरेंट्स थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पर भी मुझे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं दिख रहा है इस रीडिंग में मुझे, ठीक है गाइस। दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही जल्दी वापस आ रहे हैं, ओके, आपके तरफ एक्शन लेंगे, बहुत क्विकली मूव करेंगे, जहाँ पे भी अटके हुए वहाँ से बाहर आ जाएंगे, आपको क्लियरिटी देंगे, सक्सेस मिलेगा आपको, स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है गाइस। ठीक है, मैं ये दो कार्ड को मैं क्लियरिफाई करती हूँ, ठीक है गाइस।
एम्परर क्यों आया एंजल, देखते हैं। स्लीवलेस नाइट है गाइस आपके पर्सन की, रिग्रेट में है क्योंकि वो आपको जस्टिस देना चाहते, इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने किया नहीं पहले, ठीक है। जो भी गलती उन्होंने किया है आपके साथ, जो भी खराब चीजें किए हैं, ठीक है, उनका उनको पछतावा है, वो रो रहे हैं रात में उठ उठ कर, सो नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ जस्टिस करना चाहते हैं। जहाँ पे भी अटके हुए हैं वो सिचुएशन को एंड करेंगे, ठीक है। डेथ कार्ड के साथ हैंगमैन आया है, और अगर पहले बहुत ज़्यादा उन्होंने गुस्सा करता था, झगड़ा करता था, तो वहाँ पर टावर मोमेंट आएगा गाइस, या फिर टावर मोमेंट चल रहा है। और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिनके पर्सन, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड है किसी और से, ठीक है, वो उनके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर उनका फाइट हो रहा है, दोनों ही सोर्स लेके बैठे हैं गाइस, दिख रहा है आपको, क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, दोनों ही सोर्स लेके बैठे हैं, दोनों के बीच फाइट हो रहा है, तो वहाँ पर टावर मोमेंट चल रहा है। जो लोग के पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी से मैरिड है, किसी और से मैरिड है, वहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, जहाँ पे भी अटके हुए थे वहाँ पर टावर मोमेंट चल रहा है, खुश हो जाइए गाइस। और अगर आपके पर्सन आपको दुख दिया था, ठीक है, अगर आपके हस्बैंड आपको दुख दिया था, तो वो फिलहाल बहुत ज़्यादा दुखी है, वो कुछ सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। अगर किसी की बातों में आकर उन्होंने आपको हर्ट किया है, दुख दिया है, तो फिलहाल उनको पछतावा है, उन्होंने सो नहीं पा रहे हैं। ये बात मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है ये सारे कार्ड, ठीक है। कितने नेगेटिव कार्ड देखिए गाइस, पूरा यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड था मैंने जब कार्ड लिया, और यहाँ पर दी एम्परर को इतने सारे नेगेटिव कार्ड ने क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। वो आपकी तरफ जस्टिस चाहते हैं, कुछ सिचुएशन को एंड करेंगे जहाँ पर अटके हुए हैं, और अगर पहले उन्होंने आपको हर्ट किया था, तो फिलहाल वो रिग्रेशन में है। और अगर कोई भी उनके लाइफ में कार्मिक सिचुएशन है जहाँ पर वो खुश नहीं है, ठीक है, तो वो सिचुएशन वो एंड कर देंगे, ठीक है गाइस। टेन ऑफ सोर्स के साथ एट ऑफ काफ्स आया है, खुश हो जाएगा इस, वो सिचुएशन एंड हो जाएगा। दी एम्प्रेस क्यों आया एंजल, दी एम्प्रेस क्यों आया है, देखिए गाइस, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हो, मैरिज के लिए देख रहे हो, तो वो ऑफकोर्स आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। और जिन लोग ऑलरेडी मैरिड हो, उनके पर्सन फिर से आपके तरफ स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच फाइट हुआ था बॉटम की कर फाइव ऑफ बैंड से, अगर आप दोनों के बीच, मतलब आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो और आप दोनों के बीच फाइट हुआ था, तो वो स्ट्रेंथ गैदर करे कि कैसे आए आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है गलती उनकी ज़्यादा थी, ठीक है, तो इसलिए वो स्ट्रेंथ गैदर करे कि कैसे आया जाए आपकी तरफ। और उनको शायद हो सकता है इंट्यूशन मिल रहा है, उनका इनर वॉइस उनको गाइड कर रहा है, और आप ही उनके उस फुलफिलमेंट हो। जिस भी सिचुएशन में वो जगलिंग कर रहे थे, बैलेंस नहीं हो पा रहा था सिचुएशन, तो वहाँ से वो बाहर आ जाएंगे क्विकली। पहला कार्ड नाइट ऑफ सोर्स आया था, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंस है, हो सकता है आपके रिलेशन में ऑन एंड ऑफ चलता हो, तो वहाँ पर वो सिचुएशन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन एंड होगा। देखिए गाइस, आज शादी के कार्ड बहुत बार आ रहा है, बहुत बार शादी के कार्ड आ रहे हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर एम्परर, मैंने इसके आगे कारण फीलिंग पर रीडिंग किया था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शादी के कार्ड आया था, और यहाँ पर भी शादी के कार्ड आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर एम्परर एम्प्रेस आया है, तो कपल को दिखाता है, तो किसी के पर्सन अगर कार्मिक मैरिज में है जहाँ पर वो खुश नहीं है, ठीक है, जो रिश्ता वो तोड़ना चाहते हैं, वहाँ पर एंडिंग्स होगा। और जिनके जो लोग भी हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, तो उनके बीच अगर फाइट हुआ था, तो आपके पर्सन स्ट्रेंथ गैदर कर रहे आपके लिए आने के लिए, आपके तरफ आने के लिए, और उनकी जो इनर वॉइस है उनको वो सुन रहा है फिलहाल, आप भी उनके विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है गाइस। देखते क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन, दी सन कार्ड क्यों आया है, क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ। यस गाइस, कॉल मैसेज करेंगे, जेस्चर करेंगे कोई छोटा सा, ठीक है, आपको गिफ्ट भी दे सकता है गाइस आपके पर्सन। देखिए फिर से मैरिज का कार्ड आया है, मैरिज के लिए बोल सकते हैं आपके पर्सन, आपकी तरफ पैशनेट है बहुत ज़्यादा, बोल्ड कोई डिसीजन लेना चाहते,
उन्होंने डिसाइड कर लिया है, अभी मुझे डिसीजन लेना है, इसी वक्त डिसीजन लेना है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच फाइट हो रहा था तो वो अभी डिसीजन ले रहे हैं आपकी तरफ। बात जो भी हो एक्शन वो लेंगे शादी की तरफ, ठीक है। दी लवर्स क्यों आया एंजल, एक कार्ड गिर गया है नीचे, ठीक है मैं उसको उठाती हूँ। एक कार्ड गिरा था, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन पहले आपको बहुत ज्यादा चीट किया हो, धोखा दिया हो, आपसे भागा हो, आपसे छुपा आया हो, बहुत सारी चीजें डिसेप्शन किया है, तो फिलहाल वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ठीक है। गाइस मैसेज का कार्ड सीधा सीधा आया है। जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, ये रीडिंग नो कांटेक्ट के लिए था स्पेशली, तो आपके पर्सन आपके तरफ ही वापस आ रहे हैं। यहाँ पर मैसेज का भी कार्ड आ गया है विथ द लवर्स। किसको क्लैरिफाई किया है गाइस, लवर्स को क्लैरिफाई किया है ना, तो आपकी तरफ ही वो वापस आ रहे हैं, आपसे ही बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ ही रियूनियन होगा। यहाँ पर ये दो कार्ड आया था, जहाँ पे भी वो अटके हुए थे, बांधा हुआ फील कर रहा था, तो वहाँ से वो निकल आएंगे और आपकी तरफ आने के लिए वो खुद को तैयार कर रहा है, ठीक है। बॉटम से है द चैरियट, डिसीजन वो आपकी तरफ ही लेंगे, ठीक है गाइस। और कुछ मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए गाइस। आपके पर्सन ज़रूर आएंगे, कॉल मैसेज तो आएगा ही, और आपके पर्सन ज़रूर आपकी तरफ वापस आएंगे। मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर देखती हूँ कि कब तक आपके पर्सन वापस आ सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर, बहुत सारे कार्ड आया है, बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड आया है गाइस, ठीक है। आपका विश फुलफिल हो सकता है 9 डेज के अंदर, 9 वीक के अंदर, ठीक है गाइस। बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेज आएगा। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि किस 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 के पास मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी मुझे बता सकते हैं, और कितना रेजोनेट कर रहा है आपके सिचुएशन के साथ वो भी मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मुझे भी पता चले और मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आ सकूं फ्यूचर में, ओके। तो इस रीडिंग को मैं यहाँ पर ही एंड करूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सेल्फ लव कीजिएगा गाइस, खुद की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।